हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं एक बार उपेंद्र पांडे का, इसमें जैसा कि आप लोगों को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6-8 औद्योगिक सुरक्षा यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को सुरक्षा की वैधानिक कानूनी स्थिति क्या होती है, औद्योगिक सुरक्षा क्या होती है, इसके बारे में एक्सीडेंट क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 8 औद्योगिक सुरक्षा यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी। हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है कि जब किसी भी कारखाने में यानी किसी भी औद्योगिक में यानी इंडस्ट्रियल में अगर किसी भी दुर्घटनाओं को रोकना ही क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहलाता है। ठीक, जो विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएं हो रही हैं, क्षतिपूर्ति हो रही है, ठीक, इन सभी चीज़ों को रोकना या फिर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, औद्योगिक सुरक्षा कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सुरक्षा की व्यावधानिक या कानूनी स्थिति यानी लीगल एक्सेप्ट ऑफ सेफ्टी। ठीक, डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, क्षतिपूर्ति अधिनियम एवं राज्य बीमा अधिनियम लागू होने से पूर्व श्रमिक को दुर्घटना होने पर अत्यंत दंडनीय की जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक प्रकार से श्रमिक की अधिनियम हो गई, इन सभी चीज़ों को लागू करना यानी अनुपालन अगर ना करना ही क्या कहलाता है, इन सभी चीज़ों पर जो एक प्रकार से बीमा अधिनियम हो गया, इन सभी चीज़ों पर दुर्घटना हो जाने पर अत्यंत दंडनीय स्थिति हो जाती है। अगर इन सभी चीज़ों पर लागू अगर कोई भी दुर्घटना बताया गया या फिर चेतावनी दी गई है, इन सभी चीज़ों को पालन ना करना ही क्या कहलाता है, राज्य सरकार द्वारा या फिर एक प्रकार से दंडनीय स्थिति कहा जाती है। ठीक, आगे देखेंगे, किसी भी प्रकार की चिकित्सा या अन्य मुआवजाओं के रूप में सहायता भी मिलना लगभग असंभव ही था। मुआवजे की दावा करने के लिए न्यायालय में जाना आवश्यक था। न्यायालय में यदि उद्योगपति एक निम्न तथा सिद्ध कर सकते कर दिया जाता कर देते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो पहले ही मुआवजा यानी किसी भी दुर्घटना हो या फिर चिकित्सा वगैरह में हो गया, पहले कुछ ना कुछ मुआवजे मिल जाते थे, बट ऐसा ऑप्शन अब नहीं है। ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या, अगर कभी भी दुर्घटना हो गया तो उनको श्रमिक को जो भी दुर्घटना हो गया अगर चेतावनी के बाहर जाते हैं तो उनको खुद ही भरना पड़ेगा यानी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा न्यायालय में। ठीक, यहाँ पे इनके विभिन्न प्रकार के सिद्ध किए गए हैं तो कौन कौन से हो गए हैं, यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट कहता है दुर्घटना के लिए क्रमिक तथा जिम्मेदार था, यानी जो एक प्रकार से कहीं भी दुर्घटना हो गई, जो श्रमिक हो गए यानी कार्मिक हो गया, वो खुद ही जिम्मेदार होता है। ठीक, दुर्घटना किस कारण अगर कोई भी लिमिट पार करता है। आगे कहता है कोई अन्य श्रमिक दुर्घटना के कार्य के लिए स्वीकार था, यानी जो श्रमिक हो गया वो दुर्घटना के लिए स्वीकार था, यानी हम कह सकते हैं उनका चेतावनी पार की गई। ठीक, तो खुद जिम्मेदार होगा, यानी कोई वो कौन जिम्मेदार होगा, तो श्रमिक खुद जिम्मेदार होता है। आगे कहता है नियोक्ता एवं मालिक की कोई लापरवाही नहीं था, यानी हम कह सकते हैं कि जो नियोक्ता हो गया, मालिक हो गया, वो पहले ही सुरक्षा यानी जो सेफ्टी हो गई, उनकी सेफ्टी चेतावनी, ठीक, उन सभी चीज़ों को दर्शा गई या फिर उनको बता दिया गया, तब भी अगर श्रमिक उसके बाहर जाता है तो कौन जिम्मेदार होता है, तो श्रमिक जिम्मेदार होता है, यानी मालिक की जिम्मेदारी या लापरवाही नहीं होती है। आगे कहते हैं दुर्घटनावश होने से पूर्व श्रमिक को खतरनाक होने से दुर्घटना की संभावना की जानकारी फिर उसे मजदूर के लिए काम करना स्वीकार करना पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है तो जो उसमें खतरनाक एक प्रकार से दुर्घटना होने वाली संभावना की मशीन है, अगर श्रमिक को जानकारी नहीं है तो उनको श्रमिक को जानकारी पहले बतानी चाहिए, तब फिर उसे जाकर मजदूर वाला काम करवाना चाहिए। ठीक, आगे क्या होता है दुर्घटना यानी एक्सीडेंट क्या होता है, हम कह सकते हैं या अप्रत्याशित घटना है। अगर जब किसी भी श्रमिक पर कोई भी चोट लग गया या फिर जानमाल हो गया, अगर एक प्रकार से कोई भी दुर्घटना हो गई, क्या कहलाता है, एक्सीडेंट कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, कारखाने में कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कर्मचारियों की विकलांगता, चिकित्सा या मृत्यु हो जाने में मुआवजों पर बहुत अधिक व्यय होता है। इस व्यय को अधिकांश भाग कारखाने के वाहन करना पड़ता है तथा यह व्यय हो सकता है कि जानबूझकर इसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है, ठीक, उनके कारण अगर श्रमिक में कोई भी दुर्घटना हो जाए या फिर कर्मचारियों की विकलांगता हो गई या फिर मृत्यु हो गई, ठीक, इन सभी चीज़ों को मुआवजा देना पड़ता है। यानी कोई भी फैक्ट्री का जो मालिक होता है, इन सभी चीज़ों पर यानी जो श्रमिक लग गया उनको क्या होता है, उनको मुआवजे देने पड़ते थे।
ठीक। और उसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यय भी होता है कारखाने का, ठीक। इन सभी चीज़ों को करने के लिए हम दो प्रकार से, एक प्रकार से व्यय किया गया, वो कौन कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय हो गया, अप्रत्यक्ष व्यय हो गया। प्रत्यक्ष व्यय किसके अंतर्गत आता है, तो प्रत्यक्ष एक प्रकार से हम कोई भी श्रमिक अगर कोई भी किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक, तो श्रमिक में दुर्घटना हो, ठीक, श्रमिक में दुर्घटना हो या फिर चिकित्सा में कोई दुर्घटना हो, तो उनके कारण अगर मुआवजा दी जाती है तो किसके अंतर्गत आता है, तो प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है अप्रत्यक्ष व्यय, किसके अंतर्गत आता है, अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी मशीन का पार्ट हो गया या फिर कोई भी टूल हो गया, कोई भी मशीन हो गई या फिर कोई भी समय, किसी भी कारण समय की बर्बादी हो गई, ठीक, तो ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे एक्सीडेंट एकदम इजी ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम में अगर आप भी ये जाता है एक्सीडेंट क्या होता है, तो आप लोग एकदम इजी ढंग से समझ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है औद्योगिक सुरक्षा यानी इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हम कह सकते हैं कि अगर जो विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएँ हो गई, इन सभी चीज़ों को रोकथाम करना यानी रोकना ही क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कहलाता है। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, उचित सुरक्षा व्यवस्था और औद्योगिक दुर्घटना को कम किया जा सकता है। सुरक्षा व्यवस्था एवं दुर्घटना को रोकने के उपाय से तात्पर्य के लिए उत्तरदायी सभी तत्व, श्रमिक, कच्चा पदार्थ, तैयार माल, साथ ही इनसे भ्रमित भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण ही तकनीक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो उचित सुरक्षा हो गई, इन सभी चीज़ों को कम करना ही, जैसा कि आप लोग को श्रमिक हो गया, यंत्र हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया, तैयार माल हो गया, सब मशीन हो गई, इन सभी चीज़ों में एक प्रकार से जो दुर्घटना हो गई होती है, इन सभी चीज़ों को कम करना ही क्या कहलाता है, औद्योगिक सुरक्षा कहलाता है, ठीक। आगे कहता है औद्योगिक सुरक्षा संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो औद्योगिक सुरक्षा संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम कह सकते हैं कि अगर जब भी कोई भी श्रमिक कार्य कर रहा है, ठीक, वह संगठन के रूप में कार्य करे, ठीक, तो कभी कार्य असफल होता है, ठीक। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं सुरक्षा संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सुरक्षा संगठन की सुरक्षा इसलिए पड़ी कि अगर किसी भी फैक्ट्री में कार्य किया जा रहा है, ठीक, तो उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से एक ही व्यक्ति यानी एक ही श्रमिक कार्य ना करे, बल्कि उसमें संगठन के रूप में, संगठन के रूप में जो विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएँ हों उनको रोकना, उनको रोकना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा संगठन कहलाता है। एक श्रमिक नहीं बल्कि कई सारे श्रमिक मिलकर यानी संगठन बनाकर ही उन विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाओं को रोकना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा संगठन कहलाता है। इसीलिए इनकी सुरक्षा संगठन की आवश्यकता पड़ी, ठीक, कि जो विभिन्न प्रकार के दुर्घटनाएं होती हैं उनको रोकना ही, रोकने के लिए सुरक्षा संगठन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हम डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, सुरक्षा का क्षेत्र उत्पादन से अलग नहीं है, यानी सुरक्षा का क्षेत्र किससे अलग नहीं है, तो उत्पादन से भी अलग नहीं है। जब कहाँ, जहाँ भी उत्पादन होगा वहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जहाँ पे सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे किसी ना किसी कार्य का यानी कोई ना कोई कार्य किया जाता है, यानी दोनों एक एक दोनों के लिए क्या होते हैं, अधूरे होते हैं, वरना वही उसी अंग का एक सफल सुरक्षा कार्यक्रम उत्पादन कार्यक्रम के साथ संबंध समाकलित होता है, जो अधिकारी क्रम उत्पादन व्यय तथा उच्च उत्पादन क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है, ही दुर्घटना रोकने की कार्यक्रम के उत्तरदायी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई भी किसी भी कारखाने में कोई भी मशीन यानी एक प्रकार से एक प्रकार कारखाने में कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो एक प्रकार से संगठन के रूप में ही, संगठन में रोक के रूप में ही दुर्घटना को कम करना ही क्या कहलाता है, सुरक्षा संगठन कहलाता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे सुरक्षा संगठन की आवश्यकता क्या होती है, औद्योगिक सुरक्षा क्या होता है, एक्सीडेंट क्या होता है, सुरक्षा की व्यावधानिक कानूनी स्थिति क्या होती है, एकदम ईजी ढंग से समझ में आएगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में रहेगी क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का वर्गीकरण क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।